मंसूर की बेटी यूक्रेन में फंसी, माँ का रो रो करके हो रहा है बुरा हाल, तो वहीं अपनी पोती पर छाए संकट में दादा ने पकड़ा बिस्तर। मेडिकल स्टूडेंट की घर वापसी के लिए माँ और भाई कर रहे हैं सरकार से मिन्नतें। बेटी का मोबाइल खराब होकर के बंद होने से बेटी से बात भी नहीं हो पा रही है। दो बार टिकट करवाया जो कैंसिल हुआ, 2 लाख से ज़्यादा पैसा टिकट का लग गया जो नॉन रिप्लेबल है। घर वालों की उम्मीदें आंखों में आंसू बनकर के निकल रही है। मंसूर की रहने वाली प्रगति कोठी फोड़ा यूक्रेन के लवी में रहती है और वहीं से MBBS में उसका 3रा साल भी है। युद्ध के हालात में फंसी प्रगति के पास जो मोबाइल है वह भी खराब हो गया है, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों से सीधे बात भी नहीं कर पा रही है। उसे जब भी घर वालों से बात करना होती है तो बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों के फोन से वह भारत अपने परिवार से बात कर पाती है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस पर मोबाइल पहुंच पाना भी दिक्कत भरा काम हो गया है, क्योंकि लवी में जहां पर रहती है उसी से थोड़ा दूर आर्मी हॉस्पिटल भी है, जहां लोगों का बाहर निकलना अब सेना ने बंद कर दिया है। प्रगति को कोठी फोड़ा के परिवार ने 2 बार अपने लिए टिकट बुक कराया है ताकि वह किसी भी तरह से भारत के मंसूर में अपने परिवार के पास पहुंच सके, लेकिन दोनों बार उसके टिकट कैंसिल हो गए हैं, जिनकी राशि 2.25 लाख से ज़्यादा थी, जो कैंसिल होने के बाद वापस भी नहीं मिली। प्रगति का भाई निखिल रात दिन अलग अलग एम्बेसी और अधिकारियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन उसे भी कोई राह नज़र नहीं आ रही है। उसका कहना है कि उसे कहीं से भी किसी भी तरह से कोई भी मदद आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। प्रगति बचपन से ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का शौक रखती थी, जो घर वालों ने उसे डॉक्टर बनाने की ठान ली थी। प्रगति भारत में भी PMT के लिए कोशिश की थी, लेकिन सफलता थोड़ी ही दूर रह गई थी। ऐसे में उसके परिवार ने उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए उसे यूक्रेन भेज दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार अपने फैसले पर दुखी होता नज़र आ रहा है। प्रगति अपने दादा की बहुत चाहती है, यही बड़ी वजह है भी है कि जब से TV पर युद्ध की खबर दादाजी ने देखी है तब से वह काफ़ी बीमार हो गए हैं और अब बिस्तर पर पड़ गए हैं कि TV से किसी अच्छे खबर का इंतज़ार करते रहते हैं। प्रगति के परिवार के पास एक भी ठोस उम्मीद का रास्ता नहीं है, वहीं बस प्रार्थना कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं कि जैसे तैसे उनकी बेटी उनके घर आ जाए। मंसूर संवाददाता शुभम चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, आपकी बच्ची के नाम क्या और किस तरह से आप परेशानी फेस करते हैं? हाँ सर, मेरा नाम निशा कोटीफोड़ा है, बेटी का नाम प्रगति कोटीफोड़ा है। वो यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई हुई है। कितने साल हुए उसको? 3rd ईयर चल रहा है अभी। वहाँ मुझे सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि वो बच्चे कैसे आएंगे, बस बच्चों की ये फिक्र लग रही है हमें कि वो ऐसे फंस गए। वो खुद भी डर रही है वहाँ और उसका मोबाइल भी ख़राब है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे बात पूरी नहीं हो पा रही है, कभी कभार बात होती है तो इतना उसको भी डर लग रहा है कि वो भी अकेली बच्ची है और हम भी यहाँ अकेले हैं। न तो खाने में मन लगता है, न पीने में, किसी में भी नहीं, और न सोने में, किसी में भी नहीं लग रहा है। और सर उसके दादाजी तो उसकी बात सुन के, ये न्यूज़ सुन सुन के ही दादाजी उसके बिस्तर पकड़ लिया और ज़्यादा उन्होंने। बस हम तो यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारी पूरी हेल्प करे कि बच्चे के लाने में, और इतने बच्चे फंसे हुए हैं कि सभी आपको लगता है कोई रास्ता सूझ रहा है आपको? सर मेरे को तो खुद को भी समझ नहीं पड़ रही है कि चाहे कैसे भी लाए, चाहे पोलैंड के थ्रू लाए, चाहे हंगरी के थ्रू लाए, चाहे कैसे भी इन बच्चों को बस लेके आ जाए, कैसे भी लेके आ जाए। सर इतना मतलब हमें खुद इतने परेशान हो रहे हैं कि हमें खुद को समझ नहीं पड़ रही कि कैसे बच्चे को। हाँ टिकट्स को लेके ये हो रही कि सर हमने टिकट्स कराए ना तो रिफ़ंड हो रहा है, और इतने भी हम कैपेबल नहीं है कि हम बार बार
वापस टिकट करवाएं, लेकिन फिर भी हम तो कहीं से भी उधार लेके नहीं करवा रहे हैं कि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है सर हमारे लिए, कि हमारे बच्चे बस सेफ आ जाए। बस इंडियन गवर्नमेंट से मैं यही चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को सेफ ले आए, और ये इतना तो जानती हूँ कि वो करेंगी, इंडियन गवर्नमेंट्स करेगी हमारी हेल्प। युद्ध की खबरें जब आप सुनती हैं, देखती हैं, तो क्या मन में डर लगता है आपको? बस के बच्चे सही सलामत आ जाए सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आ जाए वो तो बच्चे। बस मोदी जी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि सर के हमारे बच्चों को आप सेफ ले आइए, बस सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को टेंशन है इतनी की इतनी, जितनी मेरे को टेंशन है सर उतनी की उतनी उनको भी टेंशन होगी। बस यही चाह रही हूँ कि आप तो बस जल्दी से जल्दी बच्चों को किसी भी तरीके से लाओ, आप चाहे पोलैंड के थ्रू लाओ, चाहे हंगरी के थ्रू लाओ, चाहे यहाँ से आप चार्टेड प्लेन भेज के लाइए आप, लेकिन लाना ज़रूर है उन बच्चों को, सभी बच्चों को। आपका नाम? मेरा नाम निशा कोटीफोड़ा। लिटिल सिस्टर प्रगति कोटीफोड़ा यूक्रेन में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो वहाँ पे फंसी हुई है। हम उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मोबाइल रिसेंटली ख़राब हो चुका है, और वो बाहर लेने अगर जाएँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। और दूसरी बात, हमारी सिस्टर को हम गवर्नमेंट से और मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मीडिया, गवर्नमेंट और आप लोगों के पास है पावर, कि आप लोग उन सब बच्चे, जितने भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं, उन सबको वापस लेके आ सकते हैं। कि कल नाइट में मेरी एम्बेसी से बात हुई, एक तो पोलैंड की और एक हंगरी की एम्बेसी से बात हुई मेरी। जो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बॉर्डर से वहाँ पे अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं, कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर उन कैंप्स तक पहुँच जाता है तो उन्हें वो वहाँ से इंडिया तक पहुँचा देते हैं। बट किसी ने मुझे ये सॉल्यूशन नहीं बताया है कि लवी से वो उस कैंप तक कैसे पहुँचे। मेन प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे विलेजेस पीपल्स हैं, उन्हें तो इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं आती है कि वो लोग कम्युनिकेशन कैसे करें किसी अपने बच्चे से। मंदसौर के नियर में बहुत सारे विलेजेस हैं, तो उन लोगों को ये भी नहीं पता है। और दूसरी बात, मुझे ना गवर्नमेंट के द्वारा, ना कलेक्टर्स के द्वारा, ना किसी के द्वारा मेरे को कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि मैं उसको पढ़ के, मैं उसको उसको रीड करके या मैं कुछ एक्शंस ले सकूं। सिर्फ पुरानी गाइडलाइंस है अभी मेरे पास। सिर्फ गवर्नमेंट एम्बेसीज ने बोला था कि लवी से बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, पर उसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि और कंटिन्यूस जो वॉर स्टार्ट है, और कंटिन्यूस वॉर कीव तक पहुँच चुकी है, और कीव से लवी पहुँचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। फिर हॉस्टल वगैरह कहाँ पे लोकेटेड है? लवी में हॉस्टल उसका लोकेटेड है जस्ट नियर टू डेनोल डेनोय हेलोय लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास में ही है उसका हॉस्टल। और आर्मी जो हॉस्टल है वो उसके पास में आर्मी कैंप्स भी है, और आर्मी जस्ट मेरी सिस्टर का जो अपार्टमेंट है उसके अपार्टमेंट के जस्ट 1 या 2 किलोमीटर दूरी उसका वो है, आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। बना हुआ है। तो इसलिए जो जो वॉर होगा तो वॉर में सबसे पहले आर्मी को ही टारगेट करा जा रहा है, जो कैंप बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इन्हीं पे टारगेट करा जा रहा है। तो इनसे उनको जान का खतरा बना हुआ है।